हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है नोटिफिकेशन, जिसपे हम चर्चा करने वाले जो सीएमओ को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सीजीपीएससी के द्वारा, उस पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे इस नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाने का वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ऐसे डाउट्स इस नोटिफिकेशन से संबंधित पूछे गए कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, केवल टू दी पॉइंट और जो आपके द्वारा जो डाउट्स पूछे गए केवल उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना है इस सीएमओ पोस्ट के रिगार्डिंग, तो थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, अभी हाल ही में सीएमओ का पोस्ट आया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, इसका जो पोस्ट निकला है। सबसे पहली बात तो इसमें जो दो ये कैटेगरी दिया गया है, ख वर्ग और ग वर्ग, इसको लेकर के बहुत लोगों के मन में डाउट है, ये वर्ग है क्या, ख वर्ग क्या है, ग वर्ग क्या है। देखिए, ये आपका मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है, ये इसके अंतर्गत जो नगरपालिका अधिकारी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये ख वर्ग और ग वर्ग को मेंशन किया गया है। दोनों अलग अलग पद है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग पद है, जहां ख वर्ग के अंतर्गत आप द्वितीय श्रेणी के अधिकारी बनेंगे, वहीं आपके ग वर्ग के अंतर्गत आप तृतीय श्रेणी के अधिकारी बनेंगे। आपका नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों पदों का उल्लेख है, जिनके अंतर्गत आपके इनके क्षेत्राधिकार को बताया गया है। ये जो ख वर्ग और ग वर्ग, ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बस आपके जो एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसके ख वर्ग के अधिकारी का क्षेत्राधिकार क्या होगा, ग वर्ग के अधिकारी का क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये मेंशन है। इसके अलावा ख वर्ग के अधिकारी में आप द्वितीय श्रेणी के अधिकारी बनेंगे, जबकि ग वर्ग में आप तृतीय श्रेणी के अधिकारी बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी इन द सेंस आप इसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का जो पोस्ट होता है उनके जो आपका श्रेणी है द्वितीय श्रेणी कहलाता है, तो आप डीएसपी और डीसी के श्रेणी के आप अधिकारी बनेंगे ख वर्ग के अंतर्गत, जबकि ग वर्ग के अंतर्गत आप तृतीय श्रेणी के अधिकारी, मतलब एक नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है, जो उसका पद है, उसके लगभग उसी लेवल का यह पोस्ट रहेगा जो आपका कौन सा है, ग वर्ग। इसके अलावा जो आपके ख वर्ग है उसमें टोटल पदों की संख्या आपका 8 है, ग वर्ग के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 28 है, ओवरऑल 36। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ख वर्ग और ग वर्ग को लेकर बहुत से डाउट आए थे व्हाट्सएप में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, टोटल पदों की संख्या 36 है, इसके अलावा भी कई आपके कैटेगरी में बटा हुआ है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आपका महिला के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक, नोटिफिकेशन में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, मैं वो उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। आवेदन करने की तिथि, ये आपका 15 जनवरी 2019 से इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आपका ये चलेगा 13 फरवरी 2019 तक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी तक इसमें एग्ज़ाम का डेट मेंशन नहीं किया गया है, एग्ज़ाम का डेट अभी नोटिफिकेशन में आया नहीं है, हो सकता है आयोग द्वारा फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपका डेट भी मेंशन होगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें योग्यता इसमें रखा है केवल स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसमें मेंशन है। ठीक, उसके अलावा आयु वर्ग, किस आयु वर्ग के लोग इसको भर सकते हैं, इसमें 21 वर्ष आयु आपका कंप्लीट होना चाहिए, कब तक, 1 जनवरी 2018 तक, 1 जनवरी 2018 तक के डेट में आपका 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। मैक्सिमम जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है वो मैक्सिमम आपके 40 वर्ष के आयु वर्ग तक के लोग इसे भर सकते हैं, बशर्ते वो छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। वैसे भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका एज वहीं पे कैलकुलेट हो जाता है, अगर आपका एज 21 नहीं हुआ रहेगा तो आपको वैसे ही आप आगे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, नेक्स्ट, लिखित परीक्षा, नोटिफिकेशन में एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपका लिखित परीक्षा, उसमें दिया है लिखित परीक्षा ऑब्लिक आपका दिया है ऑनलाइन परीक्षा, यानी अभी भी आयोग ने इसे क्लियर नहीं किया है कि ये परीक्षा आपका लिखित रहेगा या फिर ऑनलाइन रहेगा। प्रश्न पत्र आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, उसमें मेंशन है आपके जो प्रश्न पत्र है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन होगा कि आप की लिखित पैटर्न में होगा ये अभी आयोग ने क्लियर नहीं किया है। जब आपका 2010 में आपका सीएमओ का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय आपके दो पेपर होते थे, पेपर वन जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता था, जबकि पेपर टू जिसमें आपका छत्तीसगढ़ परिचय से संबंधित आपके प्रश्न आते थे। दोनों पेपर वन में 100 प्रश्न पूछे जाते थे, पेपर टू में आपका 100 प्रश्न पूछे जाते थे, उसकी अवधि 2-2 घंटे की होती थी, लेकिन इस बार इसके सिलेबस में थोड़ा, सिलेबस में नहीं, पेपर के पैटर्न में चेंज किया गया है,
देखिए इस बार केवल एक ही पेपर होगा, जो जहां पहले दो पेपर हुआ करते थे, इस बार केवल एक ही पेपर होगा। टोटल 300 अंक का एक पेपर होगा, भाग एक, जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन जिसके अंतर्गत आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे पोर्शन रहेंगे। और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसके 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ आपका आदिवासी, जनजाति, भाषा, साहित्य, ये सारे सेक्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भाग और दूसरा भाग टोटल दोनों मिलाकर के आपके 75 प्रश्न होंगे। ओवरऑल आपके 150 प्रश्न का एक ही आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। टोटल ओवरऑल मिलाकर के 330 नंबर के होंगे ये आपके सीएमओ का जो पोस्ट निकला है। 150 प्रश्न, एक प्रश्न के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, देखिए ये जो आपका पहला है सामान्य अध्ययन, इसमें टोटल यदि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे टोटल 26 टॉपिक्स है जिसकी आपकी तैयारियां करनी है, और इसमें लगभग 11 टॉपिक्स है इसकी आपकी तैयारियां करनी है। देखिए मैंने इधर कुछ चीज़ें लिखी है, चलो इसको इस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग, देखिए निगेटिव मार्किंग कैसा है, MOM मल्टीप्लाई बाय R माइनस 1/3 M मल्टीप्लाई बाय W। MO means marks obtained, अभ्यर्थी को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। M मतलब एक प्रश्न को हल करने पर कितना अंक उसका निर्धारित किया गया है। R right attempt, कितने सही प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए। Negative marking 1/3 M means एक प्रश्न पत्र के लिए कितने एक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। W means wrong answer। देखिए 1/3 का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे पिछले बार CGPSC प्री में जो मार्क्स कैलकुलेट हुए थे सेम वही है। 1/3 मतलब 0.33 नहीं 0.66 होगा। देखिए एक प्रश्न के M मतलब 2, राइट अटेम्प्ट माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय M मतलब प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं 2, मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग अटेम्प्ट, यानी आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है 2R माइनस 2/3 W। अगर 2/3 को देखेंगे तो आपका क्या होगा, इसका क्या कैसे निकलेगा, ये 2 राइट अटेम्प्ट माइनस 0.66 W, ये है, ये आपका निगेटिव मार्किंग का कैलकुलेशन होगा। देखिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था उसे थोड़ा समझिएगा। जैसे आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र एक ही है, समय अवधि आपकी 3 घंटे की है। इसमें पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का और दूसरा है आपका पहला पार्ट है आपका सामान्य अध्ययन का, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, एक ही पेपर है। लेकिन इसमें थोड़ा समझिएगा, जब से सीएमओ का पोस्ट आया है काफ़ी हल्ला हो गया है कि सीएमओ का पोस्ट आया है। अभी इसका एग्जाम डेट ही निर्धारित नहीं हुआ है लेकिन हल्ला काफ़ी मच चुका है। बहुत लोग नोटिफिकेशन आने के समय से ही सिलेबस के लिए काफ़ी हल्ला हुआ। उसके बाद आपका जैसे ही इसका पूरा कंप्लीट आपके आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं, कई कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब में कि सीएमओ का तैयारी कराया जाए। मतलब लोग अभी CGPSC प्री का जो सामने इतना बड़ा एग्जाम पड़ा हुआ है उससे डाइवर्ट होकर सभी के सभी कूद चुके हैं सीएमओ के ऊपर। आप ऐसे गलती मत कीजिएगा, सीएमओ का पोस्ट आया है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेकिन एक ये भी हकीकत समझिएगा, ये क्या है, अधिकारी का पोस्ट है। कौन से अधिकारी का, द्वितीय श्रेणी अधिकारी का। द्वितीय श्रेणी अधिकारी मतलब एक आपका डिप्टी कलेक्टर और DSP के समतुल्य यह पोस्ट है, जिसमें आपको केवल एक सिंगल स्टेज पेपर के बाद आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये पेपर ईजी नहीं होगा, जहाँ आप PSC में प्री निकाल करके मेन्स निकाल करके इंटरव्यू देने के बाद आपको एक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी बन रहे हैं। सेम समतुल्य टाइप का आपका सेम कैटेगरी का पोस्ट आपको इसमें डायरेक्ट सिंगल स्टेज पेपर में मिल रहा है, तो ये पेपर इजी नहीं होगा। इस पेपर के चक्कर में सामने जो आपके CGPSC प्री का जो इतना बड़ा एग्जाम पड़ा हुआ है उससे डाइवर्ट मत होइए। बहुत लोग बस आपका अब कौन सा बुक्स पढ़े, क्या कौन सा बुक्स मार्केट में अच्छा है, कौन सा कोचिंग सेंटर का बुक्स मार्केट में अच्छा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेंड करें, ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं। इस कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, वरना ये सारी चीज़ें तो आप यदि आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप समझिए, देखिए जहाँ इसके पहले भाग में 26 टॉपिक है, 26 में से आपके 10 टॉपिक एकदम बेसिक है। बेसिक मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इससे पूछे जाएंगे। लेकिन जो बचा हुआ जो 16 टॉपिक है ना, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है 11 से 16,
सारा खेल इसी का है। क्या क्या टॉपिक है, ये सारे चीज़ें जो मैंने लिखी है सारे फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना तकनीक, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाव, प्रबंध सूचना तंत्र, लोक प्रशासन प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रबंधन के कारक बजटीय प्रक्रिया, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय दंड संहिता 1860, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ये इतने सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी नए हैं और लोग इसी के लिए बुक्स पूछ रहे हैं मुझसे। मैं इसके लिए क्या बुक्स बताऊं, जैसे ये भू राजस्व संहिता, ये पटवारी में जब आप पटवारी के परीक्षा पास करते हैं तब ट्रेनिंग पीरियड में ये चीज़ उनको पढ़ाया जाता है। मार्केट में कई बुक डिपो, एकदम मोटी मोटी बुक, ये सारे के तो सारे टॉपिक को लेकर के 5 से 6 बुक कई बुक डिपो वाले आपको दिखा रहे हैं, आप उसे परचेज भी करने के लिए मुझसे सजेशन मांग रहे हैं। लेकिन पीएससी का है, देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको जो इसमें आपका छत्तीसगढ़ है, यदि आप सीएमओ का तैयारी करना ही चाह रहे हैं तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए। छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय है, प्री के लिए आपको पढ़ना है तो इसे और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको आगे सीएमओ के लिए भी पढ़ना है। एक बार पढ़ चुके तो दोबारा से फिर से रिवाइज कीजिए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को पढ़िए, जनजाति को पढ़िए, भाषा साहित्य जितने भी इसमें जो आपके 11 जो पॉइंट उसमें मेंशन किए गए हैं, 11 टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उसे अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा जो ये 26 में से जो 10 इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये आपके पीएससी के सिलेबस में भी सेम है, जो आपका भी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, इन चीज़ों पे पहले फोकस कीजिए। अभी इसका एग्जाम डेट आया नहीं है, एग्जाम डेट आएगा। देखिए फॉर्म भर के कब खत्म होगा, लास्ट डेट कब है, 13 फरवरी, 17 फरवरी को आपका एग्जाम है पीएससी प्री का। उसके बाद आएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, आयोग जारी करेगा तो उस समय हमको कुछ ना कुछ समय मिलेगा जिसमें आप ये सभी चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में अभी से ही कोई एक बुक खरीदिए मत, कई कोचिंग सेंटर्स के अच्छे अच्छे बुक आएंगे, ज़्यादा होगा तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए मार्केट से कोई एक अनसॉल्व खरीदिएगा, कोई एक अच्छे कोचिंग सेंटर का, ज़्यादा होता है तो उस अनसॉल्व ऐसा अनसॉल्व खरीदिएगा जिसमें आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह हो और साथ ही साथ उसमें हर एक प्रश्न के नीचे एक डिस्क्राइब्ड पैटर्न में एक डिस्क्रिप्शन के साथ हो, ताकि आपका क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चले आपको और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होने के कारण आपको ये चीज़ें एक डिस्क्रिप्टिव तौर पे एक थोड़ा विस्तृत तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ सके। तो इन चीज़ों के लिए कहीं से बुक्स पीडीएफ कलेक्ट करने का कोशिश मत कीजिए। फेसबुक में, व्हाट्सएप में कई इससे संबंधित कई पीडीएफ आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पीडीएफ आ रहे हैं, उसको पढ़ करके अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। पीएससी प्री की पहली तैयारी कीजिए, अभी आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीएससी का फॉर्म भरना चालू है, फॉर्म पहले भर लीजिए, ऐसा ना हो कि लास्ट डेट आते तक आप लास्ट डेट को फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट दिन पीएससी का सर्वर पूरी तरीके से ढप रहता है, कई बार पेमेंट भी नहीं हो पाता है। तो अभी समय है, जिन्होंने पीएससी का फॉर्म नहीं भरा है पहले उसे भर लीजिए, सीएमओ को टाइम है, आराम से इसकी तैयारियाँ कीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स के लिए पीडीएफ को जुगाड़ करने से या इन चीज़ों पर अभी से फोकस करने से कोई मतलब नहीं है। सीएमओ का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट समझिए इसका। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो उनके लिए एक अच्छा चीज है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछे जाते, मैथ्स और रीजनिंग इसमें नहीं पूछे जाएंगे, इसमें केवल और केवल आपका ये सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ जो बेसिक चीजें हैं वो पूछे जाएंगे। लेकिन निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है और लोग इसी चीज के लिए मेरे से व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसका स्टडी मटेरियल मांग रहे हैं। आ भी गए हैं आपके फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कई ठोक, आपके हर एक इंडिविजुअल टॉपिक से आपके पीडीएफ शेयर हो रहे हैं और लोग उसको पढ़ना भी चालू कर दिए हैं। समय है, पीएससी प्री की तैयारियां कीजिए, प्री में जो जो टॉपिक मेंशन है उसको तैयारी कंटिन्यू कीजिए। जब आपका पीएससी प्री दे देंगे 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी को फिर ये सभी चीज़ों को पढ़िएगा। ये चीज़ें अभी से पढ़ के रखेंगे भूल जाएंगे, एक साथ दो नाव में सवार होने की कोशिश मत कीजिए, एक बार में एक ही पेपर की तैयारी कीजिए। समय है, जब तक सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, 13 फरवरी। पीएससी का एग्ज़ाम कब है, 17 फरवरी को।
तो 17 फरवरी से पहले सीएमओ का किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं होने वाला। बस यही एक मकसद था इसको वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सीएमओ का हल्ला मच चुका है। लोग, मुझे लगा कि काफ़ी लोग इस पीएससी प्री के एग्ज़ाम से पहले सीएमओ की ओर काफ़ी लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे गलती आप भी मत कीजिएगा। तैयारी कंटिन्यू रखिए, सीएमओ को भी करना है, लेकिन सीएमओ के साथ साथ हमें जो हमारे सामने जो प्री का जो एग्ज़ाम पड़ा हुआ है उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक, तो चलिए तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, फॉर्म पीएससी का भर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो इस पोस्ट से संबंधित या इसके नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ है उससे संबंधित यदि डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।